हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। सरकार के साथ 11वें दौर की बैठक के बावजूद दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन 57वें दिन भी जारी है। 57वें दिन आज किसान सरकार की ओर से मिले प्रस्ताव पर मंथन करेंगे। किसान संगठन और सरकार के बीच बुधवार को 11वें दौर की बातचीत हुई। बैठक के दौरान सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि जब तक रास्ता नहीं निकलता तब तक एक निश्चित समय के लिए कृषि कानूनों पर रोक लगा दी जाए। सरकार की ओर से मिले प्रस्ताव के बाद आज किसान संगठनों की अहम बैठक होगी। बैठक में किसान नेता सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि हमारी कोशिश थी कि कोई निर्णय हो जाए। किसान यूनियन कानून वापसी की मांग पर थी और सरकार खुले मन से कानून के प्रावधान के अनुसार विचार करने और संशोधन करने के लिए तैयार थी। कृषि मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए कृषि सुधार कानूनों को स्थगित किया। सरकार 1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए तैयार है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर यात्रा में ज्यादा से ज्यादा किसान पहुंचे। उन्होंने कहा कि कैमला में जो भी घटना हुई उसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिम्मेदार हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिस तरह से किसानों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं मैं उसकी निंदा करता हूं। दीपेंद्र ने अनिल विज को लेकर कहा कि मैं उनको सीरियसली नहीं लेता क्योंकि वो एक मजाकिया टाइप की बात करते हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि कानून के समर्थन में इस्तीफा पहले दे चुका हूं। 26 तारीख तक काले कानूनों को सरकार वापस नहीं लेती तो मैं 27 को ट्रैक्टर पर चढ़कर स्पीकर को इस्तीफा मंजूर करा कराऊंगा। अभय चौटाला ने कहा कि 26 जनवरी की परेड में पंजाब से ज्यादा हरियाणा के ट्रैक्टरों की भागीदारी होगी। ट्रैक्टर रैली को लेकर ही किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाल कर रहेंगे, हमें कौन रोकेगा। राकेश टिकैत बोले कि पुलिस हमें क्यों रोकेगी, हम ट्रैक्टरों पर आ रहे हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फतेहाबाद की नई सब्जी मंडी में पंजाब और हरियाणा के किसान नेताओं ने बैठक की। बहादुरगढ़ के पकौड़ा चौक के पास उग्राहा जत्थेबंदी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पंजाबी गायकों और कलाकारों ने समा बांधा। करनाल के सिंघड़ा गांव में गुरुद्वारा एक ओंकार आश्रम नानकसर सिंघड़ा से कृषि कानून के विरोध में किसानों के समर्थन में निसंग ब्लॉक में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने किसानों ने कहा कि 24 जनवरी को नानकसर सिंगड़ा से हजारों की तादाद में ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली के लिए कूच करेंगे। गोहाना में सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित सभी विभागीय यूनियनों के सदस्य कुंडली बॉर्डर के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सर्व कर्मचारी संघ किसानों के समर्थन में है और जब तक सरकार किसानों के खिलाफ कानून वापस नहीं लेती आंदोलन जारी रहेगा। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने सिविल कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठक की। बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर बातचीत की। किसानों के 26 जनवरी के कार्यक्रम पर सीएम ने कहा कि यह दिल्ली सरकार का विषय है, मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस और किसानों के प्रतिनिधि बैठकर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी में प्रस्तावित उत्तर भारत के बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के निर्माण कार्य शुरू करने के बारे में अधिकारियों के साथ मंथन किया। डिप्टी सीएम ने लॉजिस्टिक हब के निर्माण कार्य से संबंधित आला अधिकारियों के साथ हब की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। प्रदेश के पशुपालन और डेयरी मंत्री जयप्रकाश दलाल ने गौ सेवा आयोग की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की।
जेपी दलाल ने गौसेवा आयोग के सदस्यों से आग्रह किया कि गोबर से जैविक खाद बनाने के लिए गौशालाओं में वर्मी कंपोस्टिंग के लिए जरूरी कार्य योजना तैयार की जाए। प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने पेंशन से संबंधित प्रोविजनल और न्यायालय में लंबित मामलों पर बैठक की। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों से भी आह्वान किया कि पेंशन से संबंधित लंबित मामलों पर कड़ा संज्ञान लें। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट लगातार जारी है। बीते 24 घंटों में 105 नए मरीजों की पुष्टि हुई। प्रदेश में 24 घंटे में 4 लोगों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ अब तक कुल 2,997 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। सिरसा में पहले दिन लाल बत्ती चौक पर यातायात पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया गया। अभियान के तहत वाहन चालकों को फूल देकर नियमों के बारे में जानकारी दी। अंबाला की सेंट्रल जेल में नशा और मोबाइल फोन की बड़ी आसानी से पहुंच रहे हैं। अंबाला की सेंट्रल जेल में जनवरी के महीने में दर्जन भर मोबाइल और नशा बरामद हो चुका है। भिवानी की सीआईए 2 पुलिस ने एक ऐसे नाबालिग को पकड़ा। पुलिस ने 16 साल के नाबालिग को चोरी की गई 10 मोटरसाइकिल के साथ बरामद कर बाल सुधार के लिए भेज दिया। रोहतक के एक जनरल मेगा स्टोर में मास्क लगाकर एक शख्स 50,000 का सामान लेकर फरार हो गया। सिरसा के लालबत्ती चौक पर कार बाजार से एक i20 कार चोरी होने का मामला सामने आया। दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सिरसा की रानिया रोड पर दिन दहाड़े एक युवक स्कूटी लेकर फरार हो गया। दरअसल स्कूटी सवार मिठाई की दुकान से मिठाई ले रहा था। इसी दौरान उसकी स्कूटी लेकर के शख्स फरार हो गया। गुहाना में एक एनआरआई ने अपने अधिवक्ता के पावर ऑफ अटॉर्नी देकर जमीन बेचने के मामले में एक बैंक के मैनेजर, सहायक रजिस्ट्रार, उसकी पत्नी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। नगरपालिका उखलाना ने नगरपालिका के अधीन आने वाले भूना फाटक के पास मदनपुरा रोड के जमीनी इलाके की कंप्यूटराइज निशानदेही शुरू करते हुए उस पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस जारी किया।